सोलर कंपनियों को भूमि आवंटन न करने व किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी के नेतृत्व में नायब तहसीलदार नोक को जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में आज नोक उप तहसील के सैकड़ों किसानों ने आज उप तहसील कार्यालय के आगे इकट्ठा होकर ज्ञापन सौंपा। वहीं पूर्व विधायक ने कहा, हमारी जान चली जाएगी लेकिन जमीन एक इंच भी सोलर प्लांट को आवंटन नहीं होने देंगे, जिसके लिए चाहे हमें अनिश्चितकालीन धरना देना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। ज्ञापन में बताया कि सन 1984 और 2000 में भूमि आवंटन हेतु हजारों आवेदन किए गए थे, परंतु आज दिनांक तक आवंटन के प्रति राज्य सरकार द्वारा आश्वासन ही दिया गया, भूमि आवंटन नहीं हुई। भूमि आवंटन को प्राथमिकता देते हुए सोलर कंपनियों को डिब्बे, अनुपजाऊ, बजट, पथरीली जमीन आवंटन की जाए, न कि उपजाऊ भूमि। जो गोचर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उनकी सर्वे करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं, ताकि औरन गोचर भूमि का बचाव हो सके। इन सभी मांगों के साथ पूर्व विधायक ने 5 तारीख को जिला मुख्यालय के आगे हजारों की तादाद में पहुंचकर आरोण भूमि, गोचर भूमि, देवभूमि, सोलर प्लांट को आवंटित भूमि के विरोध में प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने के कार्यक्रम में हर घर के एक सदस्य जैसलमेर पहुंचे, ताकि हमारी मांग पूरी हो सके। वहीं आज उप तहसील कार्यालय के आगे नोक, बोड़ाना, तालेरिया, ढालेरी, ठाकरबा आदि गांव से भारी संख्या में किसान पहुंचे। लोग पूर्व विधायक ने कहा कि मेरे पर भरोसा रखो, मेरे कार्यकाल में ग्रामीण एरिया की जनता के लिए हजारों भूमिहीन किसानों के आवंटन के आवेदन भरवाए गए थे। पिछले कई वर्षों से कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन हम तो नहीं गए। मैं करवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आज ज्ञापन में पूर्व विधायक के साथ नंदकिशोर व्यास, पूर्व सरपंच उप प्रधान महिपाल सिंह भाटी, सरपंच प्रतिनिधि अजय छंगाड़ी, सुजान सिंह दरबारी भारमरसर, जिला परिषद सदस्य उत्तम सिंह बोडाना, गिरधर सिंह भाटी, उगम सिंह ढालेरी, दिलीप सिंह भाटी पूर्व जिला मंत्री और तवर मीडिया प्रभारी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज लोग उप तहसील में जो ये किसानों का ये मांगों का पत्र आपने सौंपा है, इसको लेकर आगे क्या योजना है? ये जमीन उपजाऊ जमीन है, काश्तकारों के भूमिहीनों के हमारे फार्म भरे हुए हैं। उपजाऊ जमीन कम भी ना तो दड़ा जिले आने वाली पीढ़ी के साथ कुठारा घाप है। एक बीघा भी हम मर मिटेंगे, लेकिन एक बीघा भी जमीन कंपनी को नहीं जाने देंगे। तो ये अभी जो किसानों के जो आपने फार्म भरा, आपके कार्यकाल में भरे हुए हैं, तो इनके लिए आगे क्या योजना रहेगी? कार्यकाल में फार्म भरे गए थे, 10 से 15 हज़ार अलॉटमेंट हुए, उसके बाद में जनता की चुनी हुई सरकार आई, फार्म अलॉटमेंट नहीं हुए। लेकिन अब या तो कांग्रेस गवर्नमेंट का समय पड़ा है, 1.5 साल अलॉटमेंट करे, नहीं तो 1.5 साल बाद में हमारी सरकार आएगी, प्राथमिकता के आधार पे एक बीघा भी पीछे नहीं रहने देंगे, किसी को भी भूमिहीन नहीं रहने देंगे, सबको अलॉटमेंट करके छोड़ेंगे हम लोग। 5 तारीख को जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक ये कंपनियों को भूमि देना बंद नहीं कही तो हम कचड़ी के आगे मर मिटेंगे। जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने सिर दिए है और हम भी देने के लिए तैयार है। आपका आगे का प्लान क्या है? आगे की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है हमारी जिला हेडक्वार्टर के सामने।